आईपीएल 2023 का जो फोर्थ नंबर का मैच खेला जाने वाला है वो खेला जाने वाला है एस आर एच यानी सनराइजर हैदराबाद और आर आर यानी राजस्थान रॉयल्स के बीच में, जो कि आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा दोपहर 3:30 बजे से, जो कि 2 अप्रैल का डेट है। और ये मैच ना आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा हैदराबाद के ग्राउंड पर। तो अगर आप हैदराबादी फैंस हो और अगर आप राजीव गांधी ग्राउंड के स्टेडियम के आसपास ही रहे तो उस जगह पर आप खेल देखने को जा सकते हो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उस मैच के ऊपर टोटल डिस्कशन करेंगे, जहां पर हम लोग बात करेंगे हेड टू स्टैटिस्टिक जैसा एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अनअवेलेबल खिलाड़ी कौन कौन सा खिलाड़ी बन सकता है, जो कि सबसे क्रूशियल पॉइंट होगा इस वीडियो का, जहां पर बहुत बड़ा बड़ा नाम मिस कर सकता है ये वाला फर्स्ट मैच। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्लेइंग 11 के ऊपर, उसके साथ प्लेइंग 11 को देखते हुए हम लोग करेंगे कंपैरिजन एंड कंपैरिजन करके हम लोग बताएंगे कि कौन सा मैच को जीत सकता है और कितना विनिंग परसेंटेज से जीत सकता है। तो वीडियो अंत तक देखो, मजा आएगा क्योंकि बेहतर वीडियो इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है। तो उस जगह पर हैदराबाद फैंस हो या फिर राजस्थान रॉयल्स फैंस हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसा ही वीडियो डेली बेसिस पर आता रहेगा इस चैनल पर। और चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और लाइक करना, क्योंकि लाइक करने में एंगेजमेंट बढ़ता है। लाइक कर दो, आईपीएल का सीजन है, माहौल बना देंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हेड टू स्टैटिस्टिक के ऊपर। तो आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा कि ये दो टीम यानी सनराइजर हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स दोनों आपस में भिड़ चुका है इससे पहले टोटल 16 मैचेस में, जहां पर सनराइजर हैदराबाद जीत हासिल किया है 8 दफा और उसके साथ राजस्थान रॉयल्स भी 8 दफा ही जीत हासिल किया है। लेकिन अभी मैंने सोचा कि अभी तो भाई कंपैरिजन टाई देखने को मिल रहा है, तो अभी क्या करें। तो उस जगह पर मैं ढूंढने लगा कहां पर से कंपैरिजन में एक रिजल्ट आ सकता है। तो उस जगह पर मैं देखा कि सनराइजर हैदराबाद पहले बल्लेबाजी करके टोटल मैच जीता है 4 मैच और राजस्थान रॉयल्स पहले बल्लेबाजी करके टोटल मैच जीता है 2 मैच और वहां पर ही बाद में बल्लेबाजी करते हुए यानी सेकंड बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स जीत हासिल किया है 6 दफा और वहां पर सनराइजर हैदराबाद जीत हासिल किया है 4 दफा। तो इधर से आपको देखने को मिलेगा कि पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर हैदराबाद ज्यादा क्वालिटी प्रदान करता है। पहले बल्लेबाजी करोगे तो सनराइजर हैदराबाद का बल्ला भारी रहेगा, मतलब सनराइजर हैदराबाद के लिए। लेकिन अगर मैं स्टैटिस्टिकली अगर बात करूं तो राजस्थान रॉयल्स का पल्ला भारी रहता है जब वो लास्ट में बल्लेबाजी करने को आता है, मतलब रन चेस करना राजस्थान रॉयल्स को ज्यादा सूट करता है। तो उस जगह पर आप सभी लोग क्या चाहते हो कि हेड टू स्टैटिस्टिक के मैं अगर बात करूं तो आपके पसंदीदा टीमों को क्या करना चाहिए, पहले टॉस जीतकर वो जरूर से कमेंट बताओ। उसके बाद जिस टॉपिक के ऊपर सबसे बड़ा नजर रहेगा वो टॉपिक है कि अनअवेलेबल खिलाड़ी कौन कौन सा खिलाड़ी बन सकता है। तो आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आप देख सकते हो टोटल बेहतर तरीके से कि 3 अप्रैल तक इडन मार्करम नामक खिलाड़ी जो कि सनराइजर हैदराबाद का कप्तान है वो अनअवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि उनको भाई साउथ अफ्रीका को क्वालिफाई करवा कर ही खेलने को आना पड़ेगा आईपीएल। तो उस जगह पर फर्स्ट मैच डेफिनेटली वो मिस करेगा, इसमें बताने की बात नहीं है। तो उस जगह पर भाई प्लेइंग 11 सोच समझ कर बनाना पड़ेगा। उसके साथ मैं अगर बात करूं तो राजस्थान रॉयल्स का सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज जो कि पिछला साल बेहतर तरीके से गेंदबाजी किया था वो है प्रसिद्ध कृष्णा, तो वो भी मिस करेगा टोटल आईपीएल। तो उस जगह पर फर्स्ट मैच में उनको भी हमें देखने को नहीं मिलेगा, टोटल आईपीएल ही देखने को नहीं मिलेगा। तो उनके अलावा ही हमें टीम सेट करना पड़ेगा। उसके बाद जो स्टेटमेंट मैं लाता हूं वो है बेस्ट परफॉर्मर। राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर हैदराबाद ये दो टीम आपस में भिड़ते हुए कौन कौन सा खिलाड़ी ऐसा है जो कि सबसे ज्यादा क्वालिटी दिया है, तो दो खिलाड़ी का नाम उभर कर आता है। एक है सनराइजर हैदराबाद का वॉशिंगटन सुंदर, जो कि इस टीम के अगेंस्ट यानी राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट खेलते हुए एक बहुत ही बड़ा स्ट्राइक रेट से खेलता है, जो कि 285 का स्ट्राइक रेट होल्ड करता है। वहां पर ही शेमरॉन हेटमैन, वो भी सनराइजर हैदराबाद के अगेंस्ट खेलते हुए टोटल 246 का स्ट्राइक रेट होल्ड करता है। तो बेस्ट परफॉर्मर की अगर मैं बात करूं पिछले कई मैचेस में, तो वहां पर शिमरन हिटमायर और वाशिंगटन सुंदर दोनों ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है अपने अपने टीमों के लिए, एक राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट खेलते हुए, एक सनराइजर हैदराबाद के अगेंस्ट खेलते हुए। तो आप सभी लोगों को क्या लगता है कि ये वाले मैच में इन दोनों खिलाड़ी में से कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा उभर कर सामने आएगा, वो जरूर से आप लोग कॉमेंट पर बता सकते हो। तो अभी मैं अगर बात करूं दोनों टीमों का प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11 इस मैच के लिए क्या बन सकते हैं, तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं सनराइजर हैदराबाद का प्लेइंग 11 के ऊपर। तो सनराइजर हैदराबाद अपना कैसा प्लेइंग 11 को लेकर उतरेगा, प्लेइंग 11 बताऊंगा उसके बाद ना कंपैरिजन में आऊंगा। तो प्लेइंग 11 में आपको देखने को मिलेगा ओपनिंग करने वाला है अभिषेक शर्मा के साथ मयंक अग्रवाल, मेरा फर्स्ट चॉइस ही वो रहेगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर राहुल त्रिपाठी को खिलाया जाएगा, 4 नंबर पर हैरी ब्रुक नामक खिलाड़ी को मैं रखना चाहूंगा क्योंकि एडन मार्करम नहीं है। उसके बाद से जब एडन मार्करम आ जाएगा ना, तब से मैं उनको
चार नंबर पे खिला दूंगा, लेकिन अभी खेलेगा हैरी ब्रूक चार नंबर के पायदान पर। उसके बाद पांच नंबर पे अब्दुल समद को मैं खिलाना चाहूंगा, बंदे के पास बहुत टैलेंट है, उनको खिलाना चाहूंगा इसी की वजह से। उसके बाद मैं ग्लेन फिलिप्स को रखना चाहूंगा एज ए विकेट कीपिंग बैटर के तहत। उसके बाद सात नंबर पे मैं वॉशिंगटन सुंदर को देख रहा हूं, लेकिन उसके बाद आता है आठ नंबर। आठ नंबर पे मैं तो भाई रखना चाहूंगा अकील हुसैन को, लेकिन आप सभी लोगों का भी राय ना मुझे जानना चाहिए। तो उस जगह पर आप लोग बताओ कि आदिल रशीद को खिलाया जाए या फिर अकील हुसैन को खिलाया जाए, क्योंकि दोनों को मैं इकट्ठे नहीं खिला सकूंगा, ठीक है। लेकिन ये टीम में ना आपको देखने को मिलेगा तीन विदेशी खेल रहा है, जो कि सनराइजर हैदराबाद के लिए एक एडवांटेज भी हो सकता है, डिसएडवांटेज भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तीन विदेशी को लेकर उतरना ही हैदराबाद के लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि उनका भारतीय खिलाड़ी का कोर बेहतर है, विदेशी से भी ज़्यादा बेहतर है उनका भारतीय खिलाड़ी का कोर। तो उस जगह पर भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन और उमरान मलिक करने वाला है तेज गेंदबाजी, 9, 10 और 11 नंबर के पायदान में रहेगा। उसके बाद आता है राजस्थान रॉयल्स की बारी। तो राजस्थान रॉयल्स इस मैच में कैसा प्लेइंग 11 लेकर उतरेगा, तो आपको देखने को मिलेगा राजस्थान रॉयल्स का टीम सेट है, ठीक है। आपको देखने को मिलेगा यशस्वी जायसवाल के साथ जॉस बटलर कर रहा है ओपनिंग, तीसरे नंबर पे संजू बाबा खेलने वाला है। उसके बाद चार नंबर पे खेलने वाला है देवदत्त पाडिकल, पांच नंबर पे खेलने वाला है शिमरॉन हेटमार जैसा खिलाड़ी। उसके बाद आता है छह नंबर जो कि रियन प्राग, इस नंबर पे खेलने वाला है, जो कि इस साल भाई थोड़ा सा भाई बेहतर खेला है अपना घरवा लीग में। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा जैसन होल्डर को मैं सात नंबर पे रखा हूं, आठ नंबर पे रवि अश्विन, नौ नंबर पे ट्रेंट बोल जैसा खिलाड़ी को रखा हूं। उसके बाद मैं दस नंबर पे रखा हूं कुलदीप सेन को, जो कि पिछला साल भाई गेंदबाजी किया था, मतलब कुछ मैचेस में उनको गेंदबाजी करने को मिला था, तो वो बेहतर खेलने वाला है। उसके बाद आता है लास्टली युजी चहल। तो ये मोस्ट प्रोबेबली राजस्थान रॉयल्स की टीम का प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11 बन सकता है उनका फर्स्ट मैच के लिए। तो अभी आप सभी लोगों का क्या राय है कि दोनों टीमों का प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11 देखना हो गया। तो अभी मैं अगर कॉम्पेरिजन में आऊँ, तो कॉम्पेरिजन में आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा, ओपनिंग से स्टार्ट करता हूँ, तो ओपनिंग में आपको देखने को मिलेगा अभिषेक शर्मा के साथ खेलने वाला है मयंक अग्रवाल, और वहां पर ही यशस्वी जायसवाल के साथ जॉस बटलर करने वाला है ओपनिंग, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि राजस्थान रॉयल्स की ओर से ना जॉस बटलर है, जॉस द बॉस, जो कि भाई रिसेंट टाइम में ना अलग लेवल पर ही ऑपरेट कर रहा है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि फर्स्ट मैच है, तो इसी की वजह से मैं ज़्यादा रेट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि आईपीएल एक अलग वाला टूर्नामेंट है, वहाँ पर आकर कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है कोई भी खिलाड़ी अपना फर्स्ट मैच में वो मैटर करता है। तो उस जगह पर मैं इस विभाग में टाई ही रखूँगा, कोई भी डिसीजन मुझे लगता है कि देना गलत होगा अभी, मतलब फर्स्ट मैच के लिए। उसके ओपनर्स लोग के लिए बेसिकली, क्योंकि वो सबसे पहले बल्लेबाजी करने को आएगा, तो कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। लेकिन अभी मैं अगर मिडिल ऑर्डर में जाऊँ ना, तो मिडिल ऑर्डर में आपको सनराइजर हैदराबाद के लिए देखने को मिलेगा राहुल चहर रहेगा, हैरी ब्रूक रहेगा और अब्दुल समद भी रहेगा मिडिल ऑर्डर में। वहीं पर राजस्थान रॉयल्स के लिए संजू सैमसन रहेगा, देवदत्त पाडिकल रहेगा और उसके साथ रहेगा शिमरॉन हेटमार। तो अभी मैं अगर बात करूं ना, तो उस जगह पर आपको देखने को मिलेगा हैरी ब्रूक को, जो कि अव्वल दर्जे का फॉर्म से जा रहा है। लेकिन शिमरॉन हेटमार एक ऐसा खिलाड़ी है ना, जो कि आपको देखने को मिला है कि बेस्ट स्ट्राइक रेट होल्ड करता है जब वो सनराइजर हैदराबाद के अगेंस्ट खेलता है। तो उस जगह पर मैं बताने वाला हूं कि इस विभाग में बिना टाई बनने वाला है। हालांकि संजू सैमसन, राहुल त्रिपाठी जैसा खिलाड़ी भी है, लेकिन फिर भी मैं इस जगह पर ना, मतलब मिडिल ऑर्डर में ना थोड़ा सा टाई ही रखना चाहूंगा, जहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों टीमों का ही मिडिल ऑर्डर बेहतर तरीके से अपने आप को उभर कर सामने ले आएगा। तो उस जगह पर मैं टाई रख रहा हूं। लेकिन अभी मैं अगर लोअर ऑर्डर की बात करूं, तो लोअर ऑर्डर में हैदराबाद की ओर से बल्लेबाजी करने वाला है ग्लेन फिलिप्स, वॉशिंगटन सुंदर और अकील हुसैन, और वैसे ही राजस्थान रॉयल्स के लिए लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी करने वाला है रियान प्राग, जैसन होल्डर और रवि अश्विन। तो इस विभाग में आपको देखने को मिलेगा वॉशिंगटन सुंदर भी है, जो कि सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट होल्ड करता है राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट खेलने पर, और वहीं पर ग्लेन फिलिप्स को भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन राजस्थान रॉयल्स के खेमे में ना, मतलब एक मैं अगर बात करूँ ना, तो जैसन होल्डर एक गेंदबाजी ऑलराउंडर की तरह खेलेगा, लेकिन हिटिंग एबिलिटी है, लेकिन ग्लेन फिलिप्स जैसा नहीं है। तो उस जगह पर मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि इस विभाग में ना सनराइजर हैदराबाद का पल्ला थोड़ा सा भारी रहेगा, क्योंकि ग्लेन फिलिप्स न्यूजीलैंड की ओर से भी घातक तरीके से खेल रहा है, और सुंदर का मैं जो बात बताया पहले आपको, तो उस जगह पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब रिसेंट टाइम के अगर मैं पोजीशन देखूं, तो उस जगह पर हैदराबाद इस जगह पर थोड़ा सा आगे रहेगा राजस्थान रॉयल्स से। तो अभी मैं अगर बात करने को जाऊं स्पिन बॉलिंग का, तो स्पिन बॉलिंग में आपको देखने को मिलेगा राजस्थान रॉयल्स की ओर से स्पिन बॉलिंग करने वाला है युजी चहल, रवि अश्विन और रियान पराग। तो वहीं पर सनराइजर हैदराबाद की ओर से स्पिन बॉलिंग करने वाला है वॉशिंगटन सुंदर, अकील हुसैन और अभिषेक शर्मा। तो इस विभाग में मैं डेफिनेटली बताना चाहूंगा, अनडाउटेडली
राजस्थान रॉयल्स का पल्ला थोड़ा सा भारी रहेगा, क्योंकि देखो राजस्थान रॉयल्स में दो ऐसा इंडियन क्वालिटीदार स्पिन गेंदबाज है जो कि इंडिया के हर एक पिच में अपना छाप छोड़ेगा और उसके साथ ना हाईएस्ट विकेट टेकिंग ऑप्शन में भी रहेगा, जो कि यूजी चहल पिछला दफा भी था। तो उस जगह पर आप यूजी चहल को इंडियन प्रीमियर लीग में अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, तो उस जगह पर स्पिनिंग विभाग में राजस्थान रॉयल्स का पल्ला भारी रहेगा, लाइक जैसा सनराइजर हैदराबाद का लोअर ऑर्डर में पल्ला भारी था। तो उस जगह पर मैं बात करूंगा लास्टली तेज गेंदबाजी ऑप्शन के लिए, तो तेज गेंदबाजी ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा राजस्थान रॉयल्स की ओर से तेज गेंदबाजी करने वाला है ट्रेंट बोल्ट, कुलदीप सेन और जेसन होल्डर, और वैसा ही भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन और उमरान मल्लिक करने वाला है आपका सनराइजर हैदराबाद की ओर से तेज गेंदबाजी। तो उस जगह पर मैं बताना चाहूंगा कि इस विभाग में ना देखो ट्रेंट बोल्ट एक अलग लेवल का गेंदबाज है, तेज गेंदबाजी करता है। उसके साथ अगर कुलदीप सेन को देखने को जाओ ना, तो पिछला दफा वो भाई अलग लेवल पर ही ऑपरेट कर रहा था, भाई गति बहुत है, उसके साथ क्वालिटी भी दे रहा था, और जैसे होल्डर भी ठीक है तरीके से आपको ओवर निकल कर दे देगा चार ओवर। लेकिन इस खेमे में मतलब सनराइजर हैदराबाद के खेमे में देखो मैं अगर लिटरली बताऊँ ना, आपको देखने को मिलेगा भुवनेश्वर कुमार जो कि ऊपर से आकर विकेट चटकाने वाला एबिलिटी रखता है, टी नटराजन, उमरान मल्लिक जो कि डेथ में मिडिल ओवर्स में विकेट चटकाएगा, उसके साथ डेथ में सबसे ज़्यादा क्वालिटी देने वाला खिलाड़ी उमरान और टी नटराजन, नो डाउट इसमें बताने की बात नहीं है। तो उसके लिए ना भाई पेस अटैक हालांकि दोनों का ही समान देखने को लगेगा, लेकिन मेरे मुताबिक भाई पेस अटैक में थोड़ा सा ज्यादा क्वालिटी देता है सनराइजर्स हैदराबाद। तो इसी की वजह से मैं सनराइजर हैदराबाद को तेज विभाग में यानी पेस बॉलिंग अटैक में ना थोड़ा सा आगे रखूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है ना कि राजस्थान रॉयल्स प्रसिद्ध कृष्णा को बहुत ज्यादा मिस करेगा, क्योंकि उनका जो हाइट है और हाइट को इस्तेमाल करके जैसे तरीके से पिछला साल गेंदबाजी किया था ना, उसको मिस करने वाला है डेफिनेटली। और अभी मैं बात करने वाला हूं टोटल कंपैरिजन का, तो अभी तक मैं जो बात किया ओपनिंग में टाई हो गया है, मिडिल ऑर्डर में टाई हो गया है, लेकिन लोअर ऑर्डर में आपको देखने को मिला है थोड़ा सा पल्ला भारी रहा है सनराइजर हैदराबाद का, और वहां पर ही राजस्थान रॉयल्स स्पिन विभाग में जीत हासिल किया है और वापस से सनराइजर हैदराबाद पेस अटैक में अपना जीत कायम रखा है। तो इधर पर आपको ओवरऑल में देखने को मिलेगा कि थोड़ा सा ज्यादा बेटर लग रहा है सनराइजर हैदराबाद का टीम, लेकिन अभी आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट जो कि है कप्तानी। भाई एडन मार्करम जो कि सनराइजर हैदराबाद का बेस्ट कप्तान है, जो कि नया चुना गया कप्तान है, तो वो नहीं रहेगा, और उसके साथ संजू सैमसन जो कि उनका चुना गया कप्तान है वो रहेगा, और कप्तानी में फर्क ला दे सकता है ये मैच में, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि टीम बेसिस पर अगर आप देखने को जाओ ना, तो आपको देखने को मिलेगा हैदराबाद का हर एक खिलाड़ी बेहतर फॉर्म से जा रहा है, और फॉर्म जिस टीम के पास है ना वो क्वालिटी देता है, लेकिन कप्तानी भी मैटर करता है। तो इस जगह पर मैं भाई 50-50 चांसेस पर खड़ा हुआ हूँ। तो आप सभी लोगों को क्या लगता है कि कौन सा टीम जीत सकता है इधर से, वो जरूर से कमेंट बताओ, लॉजिकली भाई आंसर देना। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं पर अगर सनराइजर हैदराबाद आगे है तो कुछ जगह पर राजस्थान रॉयल्स आगे है, तो इसी की वजह से मैं 50-50 चांसेस पर रख रहा हूं। लेकिन अगर बेसिस रहता है कप्तानी का तो राजस्थान रॉयल्स का पल्ला भारी है, लेकिन अगर क्वालिटी रहता है टोटल टीम का तो वहां पर सनराइजर हैदराबाद भारी पड़ेगा राजस्थान रॉयल्स के ऊपर। तो आप सभी लोगों को इसके ऊपर क्या लगता है कमेंट में बताओ, क्योंकि मतलब अकॉर्डिंग टू मी भाई बहुत ही बेहतर एक मैच होने वाला है, और आप सभी लोगों का राय इसी की वजह से बहुत जरूरी है। तो अभी इधर ही समाप्त करते हैं, बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, ऐसा ही वीडियो और भी आता हुआ रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको और भी टीमों के ऊपर और भी ऐसा मैचेस के ऊपर वीडियो देखना हो ना, तो ये वाला वीडियो जाकर देखो, ये वाला प्लेलिस्ट भी जाकर देख सकते हो, बहुत सारा टॉपिक के ऊपर एनालिसिस है, जाओ जाकर देखो। तो बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।